मध्य प्रदेश का पहला कस्बा बेगमगंज, जहां हर्ष का विषय है कि एक जन सहयोग से करीब 29 लाख रुपए की कीमत से ऑक्सीजन प्लांट बनाया गया है, जिसका लोकार्पण सीधा मध्य प्रदेश के मुखिया सीएम शिवराज सिंह चौहान जी ने किया है। मुख्य अतिथि के तौर पर प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री पहुंचे थे, क्षेत्रीय सांसद रामाकांत भार्गव जी थे, उनके साथ वरिष्ठ विधायक रामपाल सिंह जी मौजूद थे। काफी हर्ष का विषय था जो देखते ही बनता था। सर, काफी खुशी का माहौल, मध्य प्रदेश में पहला ऑक्सीजन प्लांट जो जन सहयोग से बनाया गया है, कैसा महसूस हुआ? निश्चित रूप से मैं बेगमगंज के नागरिक है, आपदा प्रबंधन समिति के सदस्यों को, माननीय विधायक जी को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि यहाँ के लोगों ने बढ़ चढ़ के ऑक्सीजन की जो दिक्कतों को सेकंड जो हमारी लहर थी या उस समय जब जो केस पड़ रहे थे उसको देखते हुए लोगों ने जन सहयोग से यहाँ पर ऑक्सीजन का प्लांट बनाया है, जिसमें लगभग 29 लाख रुपए कलेक्ट किए गए। उसमें SDM की अध्यक्षता में और उनके सहयोग से, माननीय विधायक जी के सहयोग से, सांसद जी हैं हमारे, यहाँ पर शुभारम्भ किया गया और माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में बेगमगंज में स्वास्थ्य की सुविधाओं का लगातार विस्तार किया जा रहा है। विधायक जी की भी पहले से मांग थी, यहाँ 100 बिस्तर का एक सुसज्जित MCH अस्पताल यहाँ पर 100 बेडेड स्वीकृत हो गया है। 14.5 करोड़ रुपए की स्वीकृत हो गया है, एक आध महीने के अंदर काम लग जाएगा। 100 प्रकार की जांच पैथोलॉजी की यहाँ पर जो मशीन स्टेब्लिश की गई है उससे लोगों को होगा। 10 बेड ICU के भी यहाँ पर स्वीकृत किए गए, काम युद्ध स्तर पर चल रहा है। ऑक्सीजन की जो लाइनें हैं वो यहाँ पर बिछा दी गई है। और बेगमगंज के अलावा चाहे सिलवानी की बात करें, चाहे सुल्तानगंज की बात करें, चाहे प्रतापगढ़ की बात करें, चाहे सीवरमऊ की बात करें, चाहे भेलखड़ी की बात करें, सब जगहों पर लगभग 35 करोड़ रुपए से ज्यादा की तो निर्माण कार्यों की स्वीकृति होगी और यहाँ पर स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार आम नागरिकों के लिए आदरणीय शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में और विधायक जी के विशेष डिमांड पर यहाँ पर पूरी की जाती है। संगत मंत्री जी, जैसा कि हमारे काम जो है सरकार नहीं कर सकती, उसका एक नमूना बेगमगंज वासियों ने दिया, जैसा कि वर्चुअल लोकार्पण के दौरान CM ने कहा था कि मध्य प्रदेश में 163 जो है ऑक्सीजन प्लांट बनाया जा रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये आप मानते हैं कि पहला ऑक्सीजन प्लांट होगा पूरी तरीके से जन सहयोग से बनाया गया है? हालांकि इसको पूरा क्रेडिट जो है आप लोगों ने क्राइसिस मैनेजमेंट की कमेटी को भी दिया है और क्षेत्र की जनता को भी दिया है, क्या कहना चाहेंगे? मध्य प्रदेश की जनता से क्या कहना चाहेंगे उनको कि ऐसे प्लांट जगह जगह लगाएं, जैसे सरकार ना करे तो अपन के इस काम में सारे लोगों को, जिन लोगों ने इसमें अपना योगदान दिया, जिन लोगों ने राशि दी है निर्माण में, उन सबका मैंने पूर्व में भी धन्यवाद दिया है। और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने स्वास्थ्य विभाग में मध्य प्रदेश के अंदर 203 ऑक्सीजन के प्लांट स्वीकृत हुए, जिसमें 88 PM केयर से, 13 हमारे मुख्यमंत्री राहत कोर से, बाकी ऐसे लोगों ने भी और जो CSR फंड के द्वारा और दूसरे हमारे जनप्रतिनिधियों ने, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने जो राशि दी है उससे अभी आपने सुना को माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा कि 153 क्रियाशील बनकर तैयार हुआ है, बाकी जो बच्चे वो भी जल्दी हो जाएंगे। थैंक यू। ये थे मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, जिनने जो है जिन्होंने जमकर क्राइसिस मैनेज कमेटी की जो है तारीफ की। उनका ये भी कहना था कि मध्य प्रदेश का ये पहला ऑक्सीजन प्लांट होगा जो फुल तरीके से जन सहयोग से बना हुआ है, जिसकी तारीफ जो मध्य प्रदेश के सदस्य राशिद मीर बेगम।